नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज। इस समय की खबर है, सिद्धार्थ नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर जनपदीय ट्राली गैंग को पुलिस ने पकड़ा। चोरी की 6-7 प्रेशर ट्राली समेत एक ट्रैक्टर किया बरामद। पुलिस ने एक अंतर जनपदीय चोर को किया गिरफ्तार। कपिल वस्तु कोतवाली बॉर्डर पुलिस ने टोल नंबर 8 भावपुर का निवासी मोहम्मद शोएब व मोहम्मद जमाल मिलकर घटना को देते थे अंजाम और नेपाल से सटे होने के कारण वहां से बेच देते थे। मुखबिर की सूचना पर सदर थाना क्षेत्र के सोहस रोड पर पिठनी पुल के पास हुई गिरफ्तारी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता धर्मवीर गुप्ता की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए इंडिया पोस्ट न्यूज। जज्बा किसान भाइयों के ट्रोलियां जो कि अपना खेतों में या अपने खलिहान के पास खड़ी करते हैं, उसको मौका देख के उन सबको चुरा ले जाते हैं और उनको फिर जाके दोबारा पेंट करके कहीं सेकंड हैंड या उसको बेच देते हैं। इसके ऊपर हमने जो हमारी टीम थी वो इसके लिए सक्रिय थी और दिनांक 28 और 29 अक्टूबर को थाना सिद्धार्थनगर में भी एक ट्रोली चोरी की हमें सूचना प्राप्त हुई। इसके ऊपर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिनका नाम सद्दाम था। उनसे पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने बाकी साथियों के बारे में हमें लापरवाही की सूचना दी। उस सूचना पर हमारे द्वारा काम करते हुए उनके एक और साथी को आज गिरफ्तार किया है। उन साथी से हमारे को 7 ट्रॉलियाँ और बरामद हुई हैं। कुल मिला के 8 ट्रॉली अब तक इन गैंग से हमारे द्वारा बरामद की गई है। उनका एक साथी अभी फरार है, उसके संबंध में भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी हम उसको भी गिरफ्तार करेंगे और उससे भी हमें उम्मीद है कि कुछ लाभप्रद सूचना मिलेगी तो इस गैंग के या इन जैसे जो बाकी अन्य गैंग हैं जो इस क्षेत्र में या आसपास के जनपदों में सक्रिय हैं और हमारे किसान भाई जो कि अपना जीवन यापन करते हैं और उनके लिए ट्रॉली एक महत्वपूर्ण उनका कृषि का यंत्र है, उसको उनको जो परेशानी होती है ट्रॉली चोरी होने में, वो सब परेशानियों से हम निजात दिलाएंगे।